फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन कुमार। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फार्मूला को पढ़ा था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारे फार्मूला को पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। यदि आप सभी बच्चों ने उस फार्मूला को याद कर लिया है तो अभी का क्लास आपको बहुत मज़ा देगा। फिर भी यदि कंसंट्रेट होके, सिंसियर होके क्लास को आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं समझाने का आपको कोशिश करूंगा, हर पॉइंट को डीपली एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो एक आज हम लोग एक नए टाइप का फार्मूला लेकर आए हैं जिसको हम लोग सीखेंगे और उसका बहुत ज़्यादा उपयोग आपके फिजिक्स क्लास में होना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग समय नहीं लें, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। कितने बच्चे तैयार हैं मैं देख लेता हूँ जल्दी से। जो भी दोस्त आपके फ्रेंड नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़िए। और आपको सिखाए थे जुड़ने के साथ ही आप क्लास को लाइक कर दीजिए। तो क्या आप लोग तैयार हो चुके हैं? तो हम लोग अब देखते हैं, यहाँ से क्लास स्टार्ट हो चुका है तो, लेकिन बहुत कम बच्चे भी जुटे हैं। जल्दी आप लोग सभी बच्चे को जोड़ने के लिए कहिए, जिसके संपर्क में जो भी बच्चे हैं वो क्लास में जुड़ें। रेडी, तैयार हो जाएं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक न्यू फार्मूला आपके सामने रखेंगे आज और उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ हम सारे बच्चे मेरे तैयार हैं और मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। एक न्यू फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, सीखेंगे गौर से। If U and V are variable, U और V variable है आपका और ये into के form में है। किस form में है? Into के form में है, गुना के form में है। And y equal to u into v है, इस रूप में है। u और v variables है और y बराबर लिखा है u into v। तो differentiate करेंगे y को, डिफ्रेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा गौर से देखिएगा। यहाँ पर जो सिखाया गया है आपको याद होगा कि मैंने कभी सीखा था u और v प्लस के रूप में है और ये y बराबर है और उसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो u को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, v को अलग डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है और दो के बीच में इनटू का रिलेशन है, इनटू के फॉर्म में दो वेरिएबल्स हैं। अब उसको यहाँ पर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए उसको हम लोग आपको दिखाते हैं। तैयार हैं बच्चे लोग? यस सर। इसको बताने के लिए मेरे पास एक प्यारा सा, एकदम छोटा सा एक कहानी है। उस कहानी के द्वारा इसको हम सिखाएंगे आपको। यदि आप क्लास जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको एक नया चीज़ आज देखने को मिलेगा।
तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं जल्दी जुड़ जाइए, थोड़ा सा भी आसकत नहीं करना है। तो कहता है यू और भी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों देखिएगा, तो इसको एक अलग कहानी के द्वारा मैं सिखाना चाहता हूँ। वो कहानी क्या है इस प्रकार समझेंगे। आपके पास दो गो दोस्त है, दो दोस्त हैं। एक का नाम मान लीजिए ए है और दूसरे का नाम मान लीजिए बी है। दो अलग अलग दोस्त है ए और बी। दोनों बच्चे एक साथ हाई स्कूल पढ़ने जाते थे, फिर हाई स्कूल से अपना घर डेली आते थे। डेली का रूटीन बना हुआ था दोनों दोस्तों का। लेकिन क्लास में एगो सी नाम का लड़का था, तीसरा लड़का था। जिसका नाम था सी, उस सी को जो है ना ये दोनों का दोस्ती पसंद नहीं था। और वो दोनों बच्चे जो होते थे बड़ी क्लास में, छोटे छोटे थे दोनों, लेकिन दोनों बड़ी खटपटिया थे। खटपटिया किस मामले में, क्लास में जवाब देने में बहुत तेज था ए, और भी हर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देते जाता था। और सी था क्या, फुकासी मारने में था। सी का लक्षण था कि हमसे आगे कोई नहीं रहे, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, खाली फुकासी करके हमारा नाम सबसे आगे चले, वो सी का नेचर ऐसा था। तो डेली क्लास में होता था कि ए और बी पहले जवाब दे देता था, सी बेचारे को रोज जलन होता था कि हम चाहते हैं फेमस होने के लिए फोकस मार के, लेकिन यही दोनों नटुरिया दोनों जो है जवाब दे के आगे भाग जाता है। बड़ा मुश्किल क्या करें। सी को रहा नहीं गया। एक दिन जो है जैसे गेट से बाहर निकला दोनों बच्चा ए और बी, सी ने कोई बहाना बना के दोनों से मार कर लिया। सी का बहुत लंबा चौड़ा सर्कल था, इसके साथ 8-10 को दोस्त थे। क्या होता है गांव में, हाई स्कूल में जाते हैं, एक गांव का सब बच्चा एक के साथ साइकिल दौड़ाते हैं, वैसे सी का ग्रुप बहुत लंबा चौड़ा था। सी ने बेचारे दोनों को गेट के बाहर भरदम डंगा दिया, और सी को दोनों को ने तो ए और बी को डंगा दिया, और डंगा के कहा कि भाई कंप्लेन मत करना नहीं तो फिर दूसरे दिन डंगाएंगे। तो बेचारा ए और बी जो है बड़ी मुश्किल में फंस गया। अब क्या किया जाए, नहीं किया जाए, ठीक है। लेकिन ए और बी ने कंप्लेन करके दूसरे दिन इस सी को भरदम धुला दिया। अब सी को ने भरदम धुला दिया, सी को तो भाई चटपटिया था, उसको रहा नहीं गया। फिर अब इंतजार मेरा ठीक है, अब तो स्कूल के आसपास नहीं करेंगे बदमाशी, क्योंकि स्कूल के टीचर को कह के हमको मार खिलवा देता है। मौका तलाशते रहा, सी बहुत खरपात था, मौका तलाशते रहा। ए और बी जब दोपहर में गर्मी दिन में छुट्टी होता था, ए और बी छुट्टी हुआ, ए और बी को उसके गार्जियन ने कुछ वर्क दे दिया था कि बेटा हाँ स्कूल से आओगे ना तो कुछ मेडिसिन लेके आ जाना, मेडिसिन चिट्ठा में दे दिया था। बेचारा चला ए और बी मेडिसिन लाने, इधर उधर खोजा नहीं मिला, एक दूर में एक मेडिसिन था वहाँ पर गया खोजने, किसी ने कहा वहाँ जाइए मिल जाएगा। संजोग से वहाँ दोनों जाने लगा, लेकिन सी जो है रास्ते में, सी का घर था दुकान के थोड़ा बगल में, सी गेटे पर देखा, समझ गया कि आज मौका फायदा उठाना है। तो सी वहाँ गेट पर खड़ा रहा, ए और भी आया, ए भी और दूरे से देख लिया सी को। अब वो दोनों को लगा कि अब क्या करें, अब तो लगता है फिर आज धोएगा हमको। लेकिन फिर ए और बी ने सोचा मन को मार के कोई बात नहीं है। सी लेकिन बड़ी चलांग था, दूरे से कहा यार चिंता मत करो, तुम लोग को लगता है मन में डर हो गया, डरना उड़ना नहीं है, आओ ना। अरे जो हो गया हम भी भूल गए, तुम लोग भी भूल जाओ, अब कोई बात नहीं, हो गया गलती हो गया, एक बार दोहरा के गलती नहीं होगा। ए और बी को थोड़ा विश्वास जगा, चला बेचारा किसी तरह, फिर भी दोनों का मन भारी था। तो गर्मी का दिन था, सी के गेट के पास ऐसे जैसे आया, बोला आओ, बहुत दूर से आया तुम, थक गया होगा, आओ ठंडा उंडा पी लो। हम लोग समझ रहे हैं अब क्या हो रहा होगा। तो ए और बी बेचारा ठंडा पीने के लिए तो बैठिए गया, लेकिन मन में लगता था दुखी भी। तो सी ने खोला फ्रिज का, खोला
यार कैसा शगुन है, ठंडा ही नहीं है आज, बड़ा मुश्किल है। तब सी ने क्या किया, पॉकेट से कुछ रुपया निकाला, ए को दिया। ए ने लिया पॉकेट से, उसका तगा लिया, क्या करना है, बोला जान बगल में दुकान है, दवाई भी खरीद लेना और ठंडा भी दो चार टो ले लेना। तो ए बेचारा एकदम खुश होके पैसा लेके चला गया, एकदम तुरंत ठंडा लिया, दवाई उवा लिया, थोड़ा देर लग गया। तब तक ए को अलग किया सी, चूंकि सी दोनों को एक साथ नहीं मार सकता था, उसके साथ कोई झुंड नहीं था, आज अकेला था। तो सी ने ए को पैसा दे के दुकान भेज दिया, सी बेचारा ए बेचारा चला गया दुकान। ए को अलग किया, बी अकेला बचा, उसको भरदम डंगाया। डी मना डिफरेंशिएशन, डी मना डंगाया, समझिएगा रिलेशन कहाँ है। ए को अलग करके बी को भरदम डंगाया, बहुत सुंदर बात, डंगा के फिर दूसरे रूम में भेज दिया। तब तक ए आया सामान वामान लेके, ठंडा वंडा लेके, लेके फ्रिज में रख दिया। बोला ए कहाँ गया, इसको मन में डरो लगता था, बोला नहीं नहीं वो टॉयलेट गया है, कोई बात ना आ जाएगा तुरंत। तो फिर बी को ठंडा रखवा दिया फ्रिज में, फिर इसको धोना शुरू किया, फिर इसको भरदम नंगाया। तो समझिएगा गौर से, मतलब सी ए और बी दोनों को एक साथ नहीं डंगा सकता था, उसने बुद्धि लगाकर ए को अलग किया, बी को डंगाया, फिर बी को अलग किया, ए को डंगाया। इसका मतलब इस कहानी से स्पष्ट हो गया, यू और भी तुम्हारा दो वेरिएबल है, दोनों इनटू के रूप में है, किस रूप में है, तो दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। आई बात समझ में, दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट, एक को अलग करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को अलग करेंगे, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, यही कंसेप्ट है। यू और भी यदि इनटू में है तो उसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, यह कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अलग करने का मतलब उसको कुछ देर के लिए कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं तो अपने आप अलग होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर यू और भी को डिफरेंशिएट करना है तो क्या तरीका होगा, इसी दोस्त के जैसा दिमाग लगाइए आप। तो क्या किया, वाई को डिफरेंशिएट करना है, मतलब यू इंटू भी को डिफरेंशिएट करना है। तो कहा क्या, यू को आप अलग करो, यू को अलग कर दिया, कांस्टेंट मान लिए, अलग हो गया। तो किसका डिफरेंशिएशन होना है, बी का डिफरेंशिएशन होना है। फिर बी को अलग करना है और यू को डिफरेंशिएट करना है। टोटल कितना बार डंगाए दोनों को, जोड़ना भी तो है ना, तो दोनों को जोड़ देना है, टोटल कितना बार डंगाए वो पता चल गया, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। यही आपका तरीका हुआ, यदि यू और बी कांस्टेंट के टर्म में है, वेरिएबल है, और दोनों इनटू के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट करना है। तो यू को अलग करो, भी को डिफरेंशिएट करो, प्लस का साइन दो, फिर भी को अलग करो, यू को डिफरेंशिएट करो। इसी कंसेप्ट पर यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन होता है। फॉलो किया आपने, तो जल्दी इसको लिखिए। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब यहां पर देखिए, यदि ये यू और भी एक्स के साथ बदलता तो मैं यहां पर डी वाई बाय डी एक्स भी लिख सकता था, सब जगह डी वाई डी एक्स आप लिख सकते थे, सब जगह जहां जहां डी वाई है सब जगह लिख सकते थे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ ऊपर लिखा नहीं है, इसीलिए इसको लिखना अभी कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे काम कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। आइए इस पर मैं एग्जाम्पल लूंगा, तभी आप इसको कंसेप्ट क्लियर करके समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का काम क्या होगा, कैसे करेंगे, आइए गौर से देखते हैं।
चलिए जितने भी बच्चे अभी जुट चुके हैं जल्दी जल्दी क्लास अभी सुने, कहानी अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, लाइक कर क्लास खत्म होने के बाद जरूर कमेंट क्या कीजिए आप लोग। चलिए हो गया, अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूँ, इसको अप्लाई कराते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको कहूँगा, चलिए यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऐसा हो सकता है या नहीं? हाँ सर, ऐसा भी टर्म हमारे साथ हो सकता है। यदि ऐसा टर्म हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, तो गौर करके देखो आप लोग, इसको u समझ लो और आप लोग इसको भी समझ लो। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में ये यहाँ पर वेरिएबल हो गया, x हमारा वेरिएबल हो गया। यदि x बदलता है तो y भी हमारा बदलेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, तो मैं कहूँगा y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर आप बोल सकेंगे। यदि y बदलता है तो x भी आपका बदलता है। तो इस y को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसके रूप रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। इसका मतलब y को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, y के जगह पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। और से देखिएगा इसको, इसको आपने u समझ लिया, इसको आपने क्या समझ लिया, v समझ लिया। यदि इसको u और v मैं समझ रहा हूँ तो चलिए गौर करके देखिएगा कैसे सॉल्व करें हम लोग। तो आपको क्या सिखाया गया था, u इंटू v है, एक को भगाना है, एक को बाहर निकालना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है, यही आपको सिखाया गया था। तो यदि x स्क्वायर को आप क्या करोगे, बाहर निकाल दो, तब डिफ्रेंशिएट किसको करना है, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपने लिख लिया, उसके बाद आपको क्या देना है, प्लस प्लस दे देना है, फिर उसको हम लोग को फिर साइन को बाहर करना है और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन एक्स को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका, एक्स स्क्वायर का करना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, इस पर आपने इसको सजा लिया, इस पर जिस पहले सजा लेते हैं तब उसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो क्या हम लोग उस पर सॉल्व सजाया या नहीं, तो सजा लिए सर। एक्स स्क्वायर को मैंने यू कह दिया, गौर से देखिए, साइन एक्स को आपने भी कह दिया। अब आप यू को पहले बाहर किए, भी को डिफ्रेंशिएट किए, यू को बाहर किए, भी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस का साइन दिए, फिर कहता भी को बाहर करो, तो साइन एक्स को बाहर कर लिए और यू को डिफ्रेंशिएट करो, तो यू के स्थान पे क्या है, एक्स स्क्वायर, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहला काम अभी डिफ्रेंशिएशन हुआ नहीं, सिर्फ मैंने उस पर सजाया। अब आपने जो पिछले चार दिन क्लास किया है, उस क्लास का इम्पोर्टेंस अब आपको यहाँ समझ में आएगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, आइए हम लोग गौर से देखेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों को अब देखना है, यहाँ पर सर अब सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर बराबर अब आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का तो कुछ नहीं होना है, इसको साइड में रखिए, एक्स स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, जिसके आगे डी लगा हुआ है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको सिखा दिए थे कॉस एक्स, याद है आपको, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या सिखाए थे, पिछला क्लास आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी मजा आएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया, प्लस का साइन देंगे और अब फिर साइन एक्स को अपने जगह पर रखते हैं और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टू एक्स हो जाएगा आपका, ये हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन में सिखाए थे वेरिएबल पे जो पावर है गुना में आएंगे और फिर वेरिएबल के पावर में एक क्या करेंगे, घटा देंगे, यह बात आपको सिखाया गया था। तो चलिए आप लोगों ने इसको देख लिया, अब इसको क्या करोगे, सॉल्व करके दिखाओ।
सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस ये 2x आगे में ले आइए आप लोग, 2x इंटू साइन एक्स। अब अधिक से अधिक एक्स स्क्वायर एक्स है कॉमन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, यहीं पर आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, कॉमन लेना कोई जरूरी नहीं है। तो क्या आपने इसको देखा, जल्दी से एग्जांपल को नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी बच्चे भी प्रेजेंट में क्लास में हैं जल्दी से लाइक कीजिए, क्लास समझ में आया तो अच्छा बात है, जिनको दिक्कत हुआ हमसे क्वेश्चन कीजिए, हमसे बात कीजिए जल्दी से। सुरेंद्र सिंह जो भी बच्चे हैं आपका सही सही जवाब है, लेकिन आप लिखने में गलती किए हैं, साइन एक्स लिखे हैं, टू एक्स लिखे हैं, वो टू एक्स को आगे में लिखिएगा, साइन एक्स टू एक्स वो क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए उसको आगे लिखना है। गोविंद कुमार आप बदमाशी करते होंगे क्लास में, सिंसियर होके आप नहीं देखे होंगे इसलिए नहीं समझे होंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसको गौर से देखिएगा। क्लास को मैं शुरू में ही कहा था कंसंट्रेट होके शुरू से जुड़ना है और क्लास को सिंसियर होके देखना है, बीच में ब्रेक नहीं लीजिएगा, मैं आप क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा, आप उसको गंभीर होके देखिएगा। चलिए कुछ बच्चे कहते हैं नहीं समझे, देखिए ऑनलाइन बच्चे जवाब बना के दिखा भी रहे हैं, इसलिए गोविंद कुमार प्लीज कंसंट्रेट, क्लास को गंभीर होके देखो। चलिए हो गया लिखा हुआ आप लोगों का, जल्दी से कीजिए। चलिए दूसरा एग्जांपल देंगे, आप लोग उसको सीखिएगा गौर से। इसमें आपको सिखाया गया था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, आपको पिछले क्लास में सिखाए थे, उसके और पिछले सवाल में एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने सिखाए थे, तो वो सब आपको कंटिन्यू याद रखना होगा। ऐसा नहीं कि आज अचानक क्लास में बैठे और उधर चार पाँच दिन आप क्लास छोड़ दिए तो आज आप सब समझ जाएंगे, तो पर डे प्रत्येक क्लास का रिवीजन कराते हुए पढ़ाना इम्पॉसिबल है, इसलिए थोड़ा सा गंभीर रहना है आपको, सिंसियर रहना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बैठे हुए सारे बच्चे टनाटन कर रहे हैं, आप भी टनाटन करेंगे उसको गौर से देखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ जिनको दिक्कत है समझिएगा, सर यदि वाई का मान यू इंटू वी के रूप में है और ये दोनों यू और वी दोनों वेरिएबल है, U एंड V दोनों क्या है वेरिएबल है, ध्यान से रखिएगा दोनों वेरिएबल है, यदि दोनों वेरिएबल है तो प्यारे बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करना है dy को, U इंटू V है तो सिखाया गया था, यदि दो टर्म गुना में है दोनों वेरिएबल है तो डिफ्रेंशिएट करते समय आपको सिखाया था कि आपको क्या करना है, U को कांस्टेंट मान के बाहर करोगे, V को डिफरेंशिएट करोगे, प्लस दोगे, फिर V को बाहर करोगे और U को डिफरेंशिएट करोगे, बस इतना सा तो काम है, यही काम को बार बार करना है। अब इस पर कोई एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये बात लिखना शुरू किया था, कोई बच्चा लास्ट में इसी को देखेगा आके, इसके पहले इसको देखवे नहीं किया वो तो वाजिब है, क्यों नहीं समझेगा, वाजिब है नहीं समझेगा, इसलिए मैं कहता क्लास जुड़ोगे तो कंटिन्यू देखते रहना, बीच में छोड़ोगे तो फिर आपका सब बेकार हो जाएगा आपका पढ़ा हुआ। तो फॉर एग्जांपल मैं हम लोग कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यदि हम लोग देखेंगे y इक्वल टू एक्स क्यू इंटू
कॉस एक्स है, तो निश्चित रूप से देख रहे हो यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है, कॉस में एंगल के स्थान पर भी एक्स है और यहां भी एक्स है। तो एक्स मेरा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो वाई का मान एक्स पर निर्भर करेगा। यदि वाई का मान एक्स पर निर्भर करेगा तो वाई हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, तब उस वाई को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स सापेक्ष को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वाई मेरे डी बाय डी एक्स ऑफ वाई का मान यहाँ सोचते हैं हम लोग एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमारा स्टेप इसके जैसा हो गया, यहाँ पर आप लोग गौर करके देखिए, इसको यू समझिए, ये मेरा एक्स स्क्वायर यू है और इसको भी है, ये कॉस एक्स को आप भी मानोगे, तो यू को पहले बाहर करते हैं तब भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वही काम हम लोग करते हैं, यहाँ पर सजाते हैं इसको, एक्स स्क्वायर क्यूब को यू मानेंगे, यू को बाहर कर लेंगे और कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉस को डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक स्टेप क्लियर हुआ, दूसरा स्टेप प्लस देंगे, यहाँ भी प्लस देना है सर। उसके बाद भी को बाहर निकालना है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा कौन है, कॉस एक्स है, कॉस को बाहर कर लोगे, कॉस को मैं बाहर कर लेता हूँ, इंटू करके लिखूंगा, कॉस को बाहर कर लिया, अब डिफ्रेंशिएट किसको करना है, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ऐसे लिखना है। यह काम सजा लेंगे आप, आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। सजाने में ही बच्चों से मिस्टेक होता है, यदि इसको अरेंज कर दिए, सजा लिए इस तरह से, आप उसको सॉल्व कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स करना है आपको, तो देखिए गौर से, एक्स क्यूब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपने जगह पर एक्स क्यूब है। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको सिखाया गया था पिछले क्लास में, जो बच्चे नहीं सीखे थे अभी उसको सीखने का कोशिश कीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर यदि सिखा रहा हूँ तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। प्लस देंगे आप यहाँ पर, कॉस एक्स है, और फिर देखिएगा एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है, वहाँ पर कॉस एक्स अपने जगह पर रह गया यहाँ पर, और एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो नियम था कि पावर गुना में लाएंगे, वेरिएबल पर पावर लिख कर एक घटा देंगे, पावर को गुना में लिख दिए और वेरिएबल लिख कर उसके पावर में एक घटा दिए, हमारा स्टेप क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका जवाब हो गया, एक्स क्यूब अपने जगह पर रहा, माइनस को आप आगे लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस अब आपका कॉस एक्स अपने जगह पर है, इनटू इसका सॉल्यूशन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, तो इस थ्री एक्स स्क्वायर को आप आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका जवाब हो जाएगा माइनस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिए, इंटू आपका कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए आपने इसको देख लिया, आपका ये आंसर हो गया। अब एक्स स्क्वायर को चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर सकते हो, आप यहीं पर आंसर लिख सकते हो। तो क्या आपने सीख लिया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बार मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप बच्चों से कहूँगा बनाने के लिए, और आप बना के जल्दी दिखाएंगे, देखेंगे सबसे पहले कौन हमको बना के दिखाते हैं। रेडी तैयार हैं आप लोग, जल्दी से तैयार हो जाइए और देखिए क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश कीजिए।
चलिए हो गया सबका, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देंगे आप लोग को, तेजी से बना के दिखाना है। यदि y इक्वल टू टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स बेस e, यदि ऐसा हो तो डी वाई वाई डी एक्स का मान हमको चाहिए। तो अब बच्चों खूब गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 2x क्यूब को आप u मान सकते हो या नहीं, और log x बेस e को आप क्या मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। तब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स बेस ई। तो आप सभी लोगों ने इसको क्या समझ लिया, इसको आप लोगों ने यू समझ लिया और इसको आप लोगों ने भी समझ लिया। तो नियम है यू को बाहर करो तो टू एक्स क्यूब को आप बाहर कर लो, अलग हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करना है किसको, लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग एक्स बेस ई को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस लिखना है सर। फिर उसके बाद क्या था, भी को बाहर करो तो भी के जगह पर क्या है, लॉग एक्स, लॉग एक्स बेस ई को बाहर कर लिए, और डिफ्रेंशिएट करना है किसको, डिफ्रेंशिएट करना है यू को, तो यू के जगह पर क्या है, टू एक्स क्यू आपका है। यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो निश्चित सीखेंगे, और सीखेंगे तो कल दिन जब फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स में इस तरह का टर्म आएगा और वहाँ इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत खुशी अनुभव होगा। लेकिन यदि आप एकदम सुस्त हैं और इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कल दिन आप ही को पछताना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका सोल्यूशन हो गया 2x क्यूब, कुछ नहीं करेंगे इसको, log x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद है 1 बाय एक्स, क्या इसका आंसर होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन बताए थे 1 बाय एक्स, प्लस log x का कुछ नहीं होना है, वो अपने जगह पर रह जाएगा, लेकिन 2x क्यूब क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, 2 इंटू पावर से गुना करना है और वेरिएबल लिखकर पावर में एक घटा देना है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर सर, x और x कट गया, ये हो जाएगा सर 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x x कट जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा सर log x, तो रहने दीजिए बाद में लिखेंगे, पहले ये हो जाएगा सर 6x स्क्वायर को आगे लिख दीजिए, आप 6x स्क्वायर को आगे लिख दीजिए इनटू log x बेस ई हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, आराम से आपका काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 2x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेंगे हाँ लेंगे, वो डिफ्रेंशिएशन का पार्ट नहीं है, वो अलजेब्रा का पार्ट है, कॉमन लेना नहीं लेना, ठीक है, वो अलग मुद्दा है, उससे हमको यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हम यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग बना लेंगे, जल्दी से आप चैट करके बताइए, तो
जल्दी से आप लोग चैट करके बताइए। तो जितने बच्चे भी यस लिखे हैं, क्या आप सभी बच्चों ने सीख लिया? जल्दी से हमको जवाब दीजिए। क्या आपने सीख लिया? जल्दी से यस करके जवाब दीजिए। तो यस सर, मैंने सीख लिया। जल्दी जवाब देंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं कि कह रहे हैं कि सर अब इस तरह का कोई भी सवाल दीजिए, हम लोग बना लेंगे। सौरभ यादव जी, कल भी आप नहीं सीखे थे और आज भी आप नहीं सीखे हैं, आप अनावश्यक चैट करने में व्यस्त हैं। तो चैट देखिए और चैट का मजा लीजिए, तो फिर फिजिक्स का मजा आप नहीं ले पाएंगे, ये बहुत बड़ी सच है। चलिए, बहुत सुंदर बात। जो बच्चे कंटिन्यू हैं, सभी ने यस कहा। अब डिसकंटिन्यू रहिएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको नहीं समझा सकूंगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे व्यस्त हैं एकदम। तो व्यस्त रहेंगे तो फिर मैं कैसे बता पाऊंगा। दीपक कुमार एकदम परेशान है, एग्जाम में क्लास नहीं हुआ, 2500 बार कह दिया, फिर मैं आपको डिलीट करूंगा, कह कह के मैं डिलीट करता हूं। देखिए गौर से, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछिएगा। चैट में जवाब दे दिया था, वाईफाई डिस्टर्बेंस के कारण शाम की क्लास नहीं हो सकी थी। अब एक के बाद चार बार पूछिएगा तो क्या फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। आप लोग अनावश्यक क्वेश्चन कीजिएगा तो हमारा जो सोच है, कंसंट्रेशन भंग होता है। जो मैं आपको एनर्जी के साथ देना चाहूंगा वो नहीं दे पाऊंगा। आप लोग लेने के लिए व्याकुल रहिए ना, क्यों अनावश्यक में चैट में करते रहते हैं और क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। क्या रेडी, तैयार है आप लोग? चलिए, अब हम बच्चे लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन में आपका चेंज कर रहा हूं। इफ वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 3x, इफ वाई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 3x, एक्स इंटू कॉस 3x, देन फाइंड dy by dx। y का मान है x into cos 3x, then find dy by dx। जल्दी जवाब दीजिए। तो देखें, सबसे पहले जवाब किसका आता है, सबसे पहले जवाब किसका आता है, ये देखना चाहूंगा मैं, कौन सबसे पहले जवाब देते हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों, सबसे पहले जवाब कौन देते हैं ये मैं देख रहा हूं। जल्दी से क्वेश्चन आप देख लीजिए, जल्दी से। ओके बाबू लोग, यस सर। तो यदि आपने सीख लिया है तो आपका निश्चित रूप से जवाब सही होगा। तो यहाँ पर यदि डी वाई बाय डी एक्स करना है तो इसका जवाब आपको कहा था, एक्स को आपको क्या समझना है, यू, और कॉस 3x को क्या समझना है, भी। तो कहा यू को बाहर करो, भी को डिफ्रेंशिएट करो, यही सिखाए थे, प्लस करो फिर बाहर, भी को बाहर करो, यू को डिफ्रेंशिएट करो, यही आपको सिखाया गया है। इसी को फॉलो करना है फटाफट। तो डी वाई बाय डी एक्स करना है आपको, यू तुम्हारा हो गया, एक्स को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस 3x
प्लस देंगे, बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बी को बाहर करेंगे, कॉस 3x को बाहर करेंगे, और फिर हमको यू को डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाय डी एक्स ऑफ यू, यू के जगह क्या है एक्स। तो यहां से हमारा जवाब हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस 3x का हो जाएगा माइनस 3 इंटू साइन 3x। देखो बच्चा लोग डायरेक्ट जवाब दे रहा है, हमारे कुछ बच्चों को मिर्गी लग रहा है, यहाँ बच्चे डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1। तो आपका फाइनली जवाब हो गया माइनस 3x इंटू साइन 3x प्लस कॉस 3x, योर आंसर हो गया आपका, है ना, बहुत आसान, कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, राइट? तैयार हैं बाबू लोग? यस। चलिए जरा सा अब हमें क्वेश्चन को और चेंज करता हूँ, अब मैं आपको थोड़ा दिमाग का से धुआं निकलवाता हूँ, अभी तक सीधा सीधा देते जा रहे थे, अब सवाल आपके पास जाएगा, जिसके पास ये सवाल जाएगा और जो बनाएंगे उसके दिमाग से थोड़ा धुआं निकलेगा, क्योंकि दिमाग से धुआं निकलता है। इफ वाई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन एक्स देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, आपके आंसर का मैं इंतजार करूंगा, जल्दी से आप आंसर दीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए बाबू लोग। जल्दी जवाब दीजिए, अक्षय पांडे आपका आंसर गलत हो चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, बिट्टू कुमार का लगता है कि सही आया है। चलिए अब मैं बनाने का कोशिश करता हूं, प्यारे बच्चों आओ गौर से, मैंने बहुत बच्चों को कंफ्यूज करा दिया है। सर यहां पर देखो गौर से, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो x के अलावा जो होगा यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो r स्क्वायर को तो आप डायरेक्ट कांस्टेंट बोल सकते हो, तो जब डायरेक्ट कांस्टेंट होगा तो खाली साइन x ना वेरिएबल होगा, तो सीधा हम लोग कहेंगे डी वाई बाय डी एक्स करने का मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ r स्क्वायर इंटू साइन x है, आर स्क्वायर हमारा कॉन्स्टेंट होकर बाहर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा, बस इतना सा ही है। तो आर स्क्वायर अपने जगह पर होगी, आर स्क्वायर और साइन, सॉरी यहाँ साइन है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, बस हमारा ये आंसर है। कितने लोगों का ये आंसर आया था? हाँ
चलो बहुत अच्छा बिट्टू कुमार का सही आंसर आया था। बिना कॉपी का बनाए हैं सर, क्यों अक्षय बाबू? मैंने बोला था ना क्लास में बोला था कि क्लास करते हो तो कॉपी कलम लेके बैठो। चलिए बहुत अच्छा लग रहा सर, आप बच्चों ने सही बनाया, बच्चे लोगों ने। तो चलो जो जो बच्चों का सही जवाब हुआ, सारे लोग फटाफट समझ रहे हो लाइक कर दो जल्दी से, जो बच्चे भी बाद में आ रहे हैं। चलिए बहुत बच्चों का सही है, आप क्वेश्चन में चेंज करता हूँ। अच्छा इसी में पूछ देता आपसे, फाइंड डी वाई बाय डी आर, यदि ये पूछ देता तब क्या करते जल्दी बताओ? डी वाई बाय डी आर कर देते क्या होता जल्दी बताओ? तो जैसे डी वाई बाय डी आर लिख के ऐसा तो लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहां पर इस बार साइन एक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इस बार आपका साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा सर। जब दो वेरिएबल होगा तब ना यू इंटू बी के रूप में सजाएंगे, और जब एक ही तो वेरिएबल है तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, यू इंटू बी तभी यूज करेंगे जब दो वेरिएबल्स रहेंगे तब। ऐसे कहोगे सर यहां भी यूज करेंगे, करिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर वही आएगा, तो हम लंबा काम क्यों करें जब काम डायरेक्ट हो जाते हो। तो चलिए आर के रिस्पेक्ट में तो आर स्क्वायर ये वेरिएबल हो जाएगा और ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका जवाब देंगे साइन एक्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होकर बाहर गया, तो सिर्फ आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो इसका जवाब हो जाएगा साइन एक्स अपने जगह पर रहेगा और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू आर टू माइनस वन, तो जवाब हो जाएगा सर साइन एक्स इंटू टू आर हो जाएगा, तो यहाँ पर टू आर इंटू साइन एक्स हो जाएगा। है कि नहीं है? तो साइन एक्स को बाद में लिखे, टू आर को पहले लिख दीजिए। तो बनाया था आप लोगों का आंसर आया था 2R into sin X, सूरज कुमार का आया, नहीं विशाल कुमार का आया है। बिट्टू कुमार का भी आया है, अक्षय पांडे जी का भी आया है, सूरज कुमार का टाइम हो गया, सूरज कुमार टाइम हो गया, कहाँ जाएगा टाइम हो गया। चलिए बहुत सुंदर बात, आप सबों ने अच्छा खासा मेहनत किया और ईमानदारी से पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास से हम लोग इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। अब आप जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से आप लोग इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाओगे, क्योंकि अब इस पर मैं डिफ्रेंशिएशन का ढेर सारा होमवर्क भेजूँगा, आप लोग उसको बनाएंगे और आपका सॉल्यूशन कल मैं देखूँगा। होमवर्क के लिए आपका व्हाट्सएप नंबर जाना है, व्हाट्सएप पे जुड़ना होगा इस नंबर पर, नंबर है 9199712290। इस नंबर पर आप अपना नेम लिखेंगे, पूरा विलेज लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फुल एड्रेस लिखेंगे, नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं कि ऑफलाइन हैं वो भी लिखेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं क्या हैं उसको भी लिख के बताएंगे। इतना चीज लिख कर आप भेज देंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे और होमवर्क भेजेंगे। ओके, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, बाय बाय।